हम बात कर रहे हैं जागरूक होकर एक सपना बुनने की, जो साकार होगा और काम करेगा। अगर आप इसे अपने मन में रच लें तो आपका मन चमत्कारी हो जाता है। ये तंत्र है। ऐसी स्थितियां हुई हैं जहां तांत्रिकों ने एक बीज बोया और वहीं के वहीं उसे एक पेड़ बना दिया और एक दो घंटे के अंदर वो फल देने लगा। इंसानी जीवन के दो आयाम होते हैं। पहला है कि इंसान को बस होना आना चाहिए, और बेशक दूसरा इंसानी काम है, इंसान कुछ करना चाहता है। अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आपका सपना जितना बड़ा और जीता जागता होगा उतना बढ़िया होगा। अगर आपका सपना कमजोर है और हर रोज ये बदलता रहता है तब वो साकार नहीं होने वाला। इसलिए जब आप कुछ करना चाहते हैं तब आपको एक सपना चाहिए। आपने वो प्रसिद्ध भाषण सुना होगा, हाँ मेरा एक सपना है, और इससे ज़बरदस्त चीज़ें हुई। इसने पूरे देश को बदल दिया, इसने एक संस्कृति को पूरी तरह से सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि ये किसी का सपना था। तो जब दुनिया में कुछ करने की बात आती है तब आपको एक सपने की ज़रूरत होती है, वरना कैसे होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सपने देखें। अगर सभी के खुद के अपने अपने सपने हैं तो वे कल्पनाएं बन जाएंगी और बात कहीं और ही चली जाएगी। जो व्यक्ति सचेतन है उसे एक सपना ज़रूर बुनना चाहिए। आप चाहते हैं मैं अपना सपना पूरा करूं या आप जाग चुके हैं? सपने के साथ ऐसा ही होता है ना, जब आप सो रहे होते हैं तब कोई आता है, सपना ख़त्म। अभी हम वैसे सपनों की बात नहीं कर रहे हैं। उन सपनों में आपके अंदर कई अधूरी चीज़ें बस फिर से बढ़ चढ़ कर सामने आती रहती हैं। लोग रात में जो सपने देखते हैं वो ज़्यादातर बस अधूरी रह गई वास्तविकताएं होती हैं, जो कई तरह से अजीब रूपों में प्रकट होती रहती हैं। ज़्यादातर सपने बस बेहिसाब विचार होते हैं जो बस चलते रहते हैं। सपने चार अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सपनों का एक बड़ा हिस्सा केवल अधूरी इच्छाएं हैं। हम उस तरह के सपनों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जागरूक होकर एक सपना बुनने की, जो साकार होगा और काम करेगा। देवी असल में एक सपना ही है, मैंने उन्हें रचा है, लेकिन वो असली हैं और काम करती हैं। दुनिया में एक संस्कृति है जिन्होंने इसे ठीक से समझा है। भारत में इसे कहने का तरीका काफी जटिल है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुख्य निवासियों ने इसे सरलता से कहा है। ऑस्ट्रेलिया के वो दुनिया और दुनिया के बनाए जाने को सपने का समय कहते हैं। दुनिया भगवान का सपना है, दुनिया सच नहीं है। अभी भी भगवान बैठकर सपना देख रहे हैं। ये सब अभी जो यहाँ आप यहाँ बैठे हैं ये उनका सपना है, ये सच नहीं है। ये सृष्टि का एक सटीक वर्णन है, बहुत ही सरल पर सटीक। हम यहाँ इसी को माया कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स आपको यही बताना चाहती है कि सारा ब्रह्मांड सापेक्ष है, या आपके सपने के सापेक्ष में है। आपका मतलब आपका व्यक्तित्व तो नहीं, बल्कि एक जीव के रूप में, यह सच है। तो अगर कोई जीव एक रूप बनाता है, सपना अपने आप में एक रूप ही है, अगर वो एक रूप बनाता है तो वो साकार होगा। बेशक इसे थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर एक बार इसे मदद मिल जाए तो यह हमेशा साकार होगा। तंत्र का पूरा आयाम बस यही है। पश्चिम में तंत्र शब्द का मतलब है, कुछ मूर्खों ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिसमें तंत्र को बेलगाम कामुकता बताया गया है। ओके, नो, तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग। तंत्र नीड्स अ वेरी विविड इमेजिनेशन।
नहीं तंत्र यानी तकनीक, कुछ रचने की तकनीक। तंत्र के लिए एक बहुत ही जीती जागती कल्पना चाहिए। ये ऐसा है, आप इसे आजमा सकते हैं, आप इस पर कुछ समय लगा सकते हैं। आप कुछ तोड़िएगा मत, आप बस एक पेड़ या एक घास के तिनके के पास जाकर बैठ जाइए। बस इस घास के तिनके को स्पष्ट रूप से याद करके इसे 100% अपने दिमाग में बनाइए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, मेरा विश्वास कीजिए। मेरा पूरा बचपन मैं बस बैठकर छोटी छोटी चीज़ों की यादें अपने मन में बनाया करता था। और बस एक चीज़ के साथ अगर आप ऐसा कर लें, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस छोटी उंगली की यादें अपने मन में गढ़ लें तो आपका मन चमत्कारी हो जाता है। जब मैं यादें कहता हूँ तो इस छोटी उंगली में कितनी सारी विशेषताएं हैं। अगर आप इसके एक एक माइक्रो मिलीमीटर पर जाकर उसके छोटे से छोटे हिस्से पर ध्यान देकर इसकी याद अपने मन में बसा लें तो आपका मन एक विस्फोटक संभावना बन जाएगा। अभी अगर आप चाहें तो आप एक घास से एक छोटी उंगली पैदा कर सकते हैं, यही तंत्र है। ऐसी स्थितियां हुई हैं जहां तांत्रिकों ने एक बीज बोया, एक आम का बीज बोया, और वहीं के वहीं उसे बड़ा कर दिया और कुछ ही घंटों में वो फल भी देने लगा। क्योंकि ये एक सपना है, पेड़ वैसे भी एक सपना है, आपका शरीर वैसे भी एक सपना है, पूरा ब्रह्मांड वैसे भी एक सपना है, एक स्तर पर ये एक सपना है, ये एक रिलेटिव चीज है। तो हमने इसी को माया कहा है। माया का मतलब ये नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है, सपने का मतलब ये नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि ये है। जैसे आप अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये बस वैसा नहीं है, इसकी प्रकृति अलग है। तो जब मैं अलग अलग चीज़ों की बात करता हूँ, शायद मैं उन्हें अलग अलग चीज़ें कहूँ, पर वो अलग अलग हैं नहीं। Because you're looking at it with a discriminatory intellect, they are looking different for you. क्योंकि आप इसको भेद करने वाली बुद्धि से देख रहे हैं, इसलिए वो आपको अलग लग रही हैं। अभी आप यहाँ ज़मीन पर बैठे हैं और ऐसा सोच सकते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, पर धरती को ऐसा लगता है कि आप बस उसका एक हिस्सा हैं। और एक दिन कौन सही साबित होगा? अभी आप कह सकते हैं नहीं, ये सच नहीं है, मैं उठ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, पर एक दिन जब धरती आपको खींच लेगी तो वह आप पर हंसेगी। तो सबसे अच्छा होगा कि आज रात आप बैठकर इन तीनों चीज़ों पर गौर करें। दिन के अंत में आप अपने बिस्तर पर बैठिए और पीछे मुड़कर देखिए कि सुबह उठने से लेकर पूरा दिन आपने किस तरह से बिताया। आप देखेंगे कि 90% समय आप काफ़ी मूर्ख थे। मैं प्रतिशत को लेकर उदार हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अगर आपको बस थोड़ा सा काम या थोड़ी सी जिम्मेदारी दे दी जाए, अचानक आप कितने महत्वपूर्ण बन जाते हैं, अचानक आप ब्रह्मांड से भी बड़े बन जाते हैं। कितनी ही बार आप ब्रह्मांड के आकार से भी बड़े बन बैठे हैं। अगर आप इस पर गौर करें तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर समय आप बस सूझे हुए हैं। कितनी ही बार आप अमर बन गए थे, यानी आप अपनी मौत को लेकर जागरूक नहीं थे। और कितनी ही बार आप अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को बिना किसी जुड़ाव के देखते हुए घूमते रहे हैं। बस इन 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि आपको रात भर हंसते रहना पड़ेगा। रोना मत शुरू कर दीजिएगा, बस अपनी मूर्खता पर हंसना सीख लीजिए। आप देखेंगे कि आपका सारा कचरा बहुत तेजी से खाद में बदल जाएगा, और खाद विकास के लिए अच्छी होती है, आपको पता है। हाँ, हर दिन आप अगर ऐसा करेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, मेरा यकीन कीजिए, बहुत बुद्धिमान। और मुझे बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उतनी बुद्धि नहीं है। आइए उन्हें तैयार करें।